अब तक गवर्नमेंट ऑफिसर की हैसियत से कानून के दायरे में रहकर मैंने अपनी ड्यूटी की है, लेकिन आज से रामा राव धर्म के लिए अपनी ड्यूटी करेगा। तो दोस्तों मास महाराजा रॉबी तेजा इस बैग। जी हाँ दोस्तों, रॉबी तेजा सर की मस्ट अवॉर्डेड मूवी रामा राव ऑन ड्यूटी आज 29 जुलाई को रिलीज हुई है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आखिर रामा राव ऑन ड्यूटी मूवी रिलीज होते ही रिलीज के पहले दिन पे यानी आज इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइडली कितने करोड़ की कलेक्शन करने लगे हैं। आपसे उम्मीद है वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों मास का बाप रॉबी तेजा और उनकी मूवी रामा राव ऑन ड्यूटी बताना चाहूंगा एक्शन एंटरटेनर मूवी है। इस मूवी को शरद मंदबाजी ने डायरेक्शन दी है और सुधाकर सेरुगुरी ने मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। बताना चाहूंगा कास्टिंग रोल की बात की जाए ऐसे तो इस मूवी के अंदर बहुत सारे कलाकार देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों मूवी के लीडिंग कास्ट पे हमें नजर आए हैं मास महाराजा रॉबी तेजा और दिव्यांशा कौशिक जी को। इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 25 यानी 25 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें इस मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो दोस्तों पहले बात करें नॉन थिएटरिकल बिजनेस के बारे में तो दोस्तों रामा राव ऑन ड्यूटी इस मूवी के डिजिटल राइट्स यानी मूवी को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स बिके हैं पूरे 10 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों मूवी के सैटेलाइट राइट्स यानी मूवी को टीवी पे दिखाने के राइट्स बिके पूरे 12 करोड़ रुपए में। और इस मूवी के म्यूजिक राइट्स बिके हैं पूरे 2 करोड़ रुपए में। यानी रामा राव ऑन ड्यूटी मूवी ने रिलीज होने से पहले ही मूवी के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेस के टोटली जो नॉन थिएटरिकल प्री रिलीज बिजनेस किया था पूरे 24 करोड़ रुपए। वही दोस्तों थिएटरिकल बिजनेस की बात की जाए तो दोस्तों रामा राव ऑन ड्यूटी मूवी के वर्ल्ड वाइड थिएटरिकल राइट्स बिके हैं पूरे 17 करोड़ 20 लाख रुपए में। तो जाहिर सी बात है इस मूवी को हिट होने के लिए लगभग 20 करोड़ की ऊपर कमाई करने होंगे। स्क्रीन काउंट की बात की जाए तो दोस्तों आज ये मूवी इंडिया के अंदर पूरे 1000 स्क्रीन पे रिलीज हुई है और ओवरसीज मार्केट पे यानी इंडिया के बाहर ये मूवी 300 स्क्रीन के साथ रिलीज हुआ है। यानी रामा राव ऑन ड्यूटी मूवी टोटली वर्ल्ड वाइडली पूरे 1300 स्क्रीन पे रिलीज हुई है। दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों रामा राव ऑन ड्यूटी एक मास अवॉर्डेड मूवी थी जो फाइनली आज रिलीज हुई है। और रिलीज होते ही रॉबी तेजा के फैंस टूट पड़े इस मूवी को देखने के लिए। और आज इस मूवी के मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्युपेंसी पे 75% ऑडियंस हाउसफुल देखने को मिला है। यानी आज पूरे दिन पे जो ऑक्युपेंसी रहेगा इस मूवी के एवरेज तौर पे पूरे 75%। तो दोस्तों अभी के रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार रामा राव ऑन ड्यूटी मूवी रिलीज होते ही रिलीज के पहले दिन पे यानी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 5 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि पहले दिन का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होने लगे पूरे 6 करोड़ 80 लाख रुपए। बात की जाए ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की तो दोस्तों ये मूवी रिलीज के पहले दिन यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन करने लगे पूरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो दोस्तों जहां पे मूवी ने रिलीज के पहले दिन इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 6 करोड़ 80 लाख रुपए, वही दोस्तों मूवी ने रिलीज के पहले दिन पे ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन करने लगे है पूरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। यानी मास महाराजा रॉबी तेजा स्टारर मूवी रामा राव ऑन ड्यूटी मूवी रिलीज होते ही रिलीज के पहले दिन पे आज वर्ल्ड वाइडली टोटल ग्रॉस कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 8 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है रामा राव ऑन ड्यूटी मूवी के पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन जो कि होने लगे हैं पूरे 8 करोड़ रुपए। और इसके साथ दोस्तों आपको याद दिला दूं इस मूवी को लगभग हिट होने के लिए 20 करोड़ की ऊपर कमाई करने होंगे। और मूवी ने रिलीज के पहले दिन पे ही लगभग 8 करोड़ से ओपनिंग ली है तो आप अंदाजा लगा सकते हो इस मूवी को सुपर हिट होने में कोई नहीं रोक सकता। आपसे उम्मीद है आगे की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय दोस्तों।